इस गाड़ी में आज अभी ब्रेक शू चेंज करवाने गया था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि इस ब्रेक शू के साथ साथ ड्रम भी चेंज करवाना पड़ गया। तो ये चार है और दो ड्रम, क्यों चेंज करवाना पड़ा ड्रम मैं इस बारे में अभी बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या ऐसा अंतर था जिसके कारण ड्रम खराब हुआ है? कई दुकानदार आपको बेस्ट क्वालिटी के नाम पे इस तरह का ब्रेक शू दे देगा, हाथ भी काला हो चुका है, कोई बात नहीं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। दोस्तों अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं तो कभी न कभी आप लोगों को ब्रेक शू चेंज करवाना ही होता होगा, तो ब्रेक शू किस क्वालिटी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस मैटर पे आज चर्चा करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक ट्रेंड यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में पिछले तीन से चार महीने पहले ब्रेक शू चेंज करवाया गया और आज ये गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस गाड़ी में आज अभी ब्रेक शू चेंज करवाने गया था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि इस ब्रेक शू के साथ साथ ड्रम भी चेंज करवाना पड़ गया। क्यों पड़ गया तो इसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में फुल मिलने वाली है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही ई रिक्शा चलाने वाले भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको इन बात का नॉलेज हो सके कि ब्रेक शू किस क्वालिटी का खरीदना चाहिए। मैं प्राइस का बात नहीं करने वाला हूँ इसमें वीडियो में, मैं क्वालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए, तो इस गाड़ी में हुआ क्या कि जब ब्रेक शू किस प्रकार का था, देखिए ये 1.5 साल पुरानी है, ये आप देख सकते हैं कि 1.5 साल पुरानी, आपको नजदीक करके दिखा देता हूँ, ये 1.5 साल पुरानी ब्रेक शू है और ये चार ब्रेक शू होती है, एक ड्रम में दो इस तरह से लगी होती है, आप लोगों को भी पता है इस तरह से लगी होती है। तो ये चार है और दो ड्रम, क्यों चेंज करवाना पड़ा ड्रम मैं इस बारे में अभी बताने वाला हूँ। और ये ब्रेक शू आप देख सकते हैं, यहाँ ये ब्रेक शू देख सकते हैं, इस गाड़ी में चेंज हुआ था 3 से 4 महीने पहले और इस ब्रेक शू की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पूरा प्लेन आपको दिख रहा होगा और ये करीब 1 साल से ऊपर चली थी, यानी 1.5 साल के करीब चली और ये भी 1 साल के लगभग चली है और इसकी क्वालिटी आप देख। तो इसमें क्या ऐसा अंतर था जिसके कारण ड्रम खराब हुआ है? तो देखिए अब मैं आपको ड्रम दिखा रहा हूँ, ड्रम देख सकते हैं, ड्रम बिल्कुल अभी भी कुछ ना कहीं से टूटा है, ना फटा है, ना क्रैक है, फिर भी बदलवानी पड़ी। ऐसा इसलिए कि इसके अंदर इतनी चिकनाहट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस ब्रेक शू के कारण ऐसी चिकनाहट हुई है। क्यों हुई है? ये ब्रेक शू जो है ढलवा लोहा की नहीं बनी हुई है, ये पक्की लोहा है और पक्की लोहा होने के कारण जब भी ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो ये जो है घिसेगा नहीं, इसको घिसेगा और इसको घिसने के कारण आप देख सकते हैं पूरा चिकनाहट हो चुका है। आपको वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरह का चिकनाहट आ चुका है, मैं इसे महसूस करके आपको दिखा रहा हूँ और ये दिखाऊंगा आपको वीडियो में। तो और इसी के कारण ये ब्रेक शू, देखिए ब्रेक शू बिल्कुल न्यू की तरह आपको दिख रहा है लेकिन ये 1.5 साल पुरानी है। ये क्वालिटी आप कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। ढलवा लोहा बोलते हैं इसके ऊपर जो ब्रेक शू बनी होती है ना, ये ढलवा लोहा की बनी होनी चाहिए। जब भी आप किसी पेचकस या कोई लोहे की सामान से आप ऐसे खटखट करेंगे, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप जैसे लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं कि ऊपर से जब मारेंगे तो वो हल्का हल्का फूटना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कच्चा लोहा बोल सकते हैं या ढलवा लोहा, उस तरह का क्वालिटी होना चाहिए तभी वो ब्रेक जो है ब्रेक शू घिसेगी, ड्रम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये ड्रम को नुकसान इसी कारण पहुंचाइए, इसके इस गाड़ी में जो ड्रम था वो खराब नहीं हुआ था, ब्रेक शू खराब हुआ था, ब्रेक शू घिसा था। देखिए ये प्लेन हुआ, ऐसा ही इसको होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी ऐसी बातों को आप लोगों को ध्यान देना है ताकि आप लोग पैसे को बर्बाद मत कीजिएगा। कई दुकानदार आपको बेस्ट क्वालिटी के नाम पे इस तरह का ब्रेक शू दे देगा, जैसे इस गाड़ी में हुआ है, बेस्ट क्वालिटी के नाम पे ये लगाया गया था इस गाड़ी, लेकिन हुआ कुछ और। इस चक्कर में ना पड़े, क्वालिटी को पहचानना सीखें और ड्रम को बचाएं, गाड़ी को सेफ रखें। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, हाथ भी काला हो चुका है, कोई बात नहीं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और ई रिक्शा से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, जुड़ना चाहें हमसे, कनेक्ट होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपनी बात रखें। किस तरह की आप लोगों को वीडियो पसंद है उस तरह की वीडियो लाना मैं
आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से गाड़ी चलाएं। जय हिंद, जय भारत।